हाँ तो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। तो गाइस, क्या आप अपनी वीडियो को फनी बनाना चाहते हैं और YouTube शॉर्ट्स बनाकर अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। तुमको आज मैं ये सब बताने वाला हूँ कि आप एक YouTube शॉर्ट्स पे वीडियो बना के, फनी कंटेंट बना के आप फेमस हो सकते हो, यानी कि अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको दो ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि बोनस होने वाली है, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा देगी। तो लास्ट वीडियो को देखते रहना। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे YouTube शॉर्ट्स बना के अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो और अपना अच्छा खासा एक फैन बेस बना सकते हो। और जो कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे कि एमओप हो गए, जेवल हो गए, कोबरा भाई हो गए, ये लोग अपनी वीडियो को कैसे एडिट कैसे करते हैं और ये लोग क्या क्या मीम्स लगाते हैं, क्या टैग्स लगाते हैं, जिससे इनकी वीडियो को वायरल होने का चांस ज्यादा होता है और वायरल हो जाती है, और आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं होती है। तो मैंने इन सबको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैं चारों को एक एक करके बताता हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। तो आप फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, फिर वहां पे हमें क्रिएट न्यू पे टैप करना है। वहां पे फिर हमको 9:16 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें YouTube शॉर्ट्स बनाने के लिए वही ऑप्शन सही रहता है। फिर हम आ जाएंगे अपनी गैलरी में, फिर हमें अपनी वीडियो को ढूंढना है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर में ही होगी। अब आपकी कहाँ है आपको पता होगा। फिर अपनी वीडियो को आप सिलेक्ट करो वहाँ से, जो भी वीडियो आपकी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 मिनट वाली वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली उसको कहीं भी कर लेना है, फिर पिन एंड जूम में जाके इसको एकदम बीच में अपने सेट कर लेनी है वीडियो के, ताकि वो मतलब पूरी 16:9 में ना होके 9:16 में हो जाए वीडियो। और यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम अपनी वीडियो की आइडेंटिटी बोलने वाले हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि एमओप की सबसे अलग होती है, जेवल की भी अलग होती है, मतलब सबकी अलग अलग है, वैसे तुमको भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है अपनी वीडियो की। लोग आपकी वीडियो को देखे तो उनको पता लग जाए कि आपकी ही वीडियो है ये। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपको सबसे ज्यादा फनी कमेंट्री करनी है, तो आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा बैठ के काफी ज्यादा रिसर्च करके। जो भी बड़े क्रिएटर हैं या छोटे क्रिएटर हैं, उनकी वीडियोस को देख के उनमें से भाई कीवर्ड्स निकाल निकाल के आप अच्छे से लिखो, तभी आप एक अच्छी सी फनी और एकदम इंटरेस्टिंग कमेंट्री कर सकते हो। तो हमको अपनी वीडियो का कवर बनाने के लिए सिंपली आ जाना है पिक्सआर्ट में, फिर आपको जाना है एडिटर फोटो पे, फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, कोई पिक्चर या फोटो सिलेक्ट नहीं करनी है, ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड ही सिलेक्ट करना है आपको। तो ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, फिर आपको वहाँ पे एड फोटो पे करना है, फिर से आपको कलर पे जाना है, और वहाँ पे आपको कोई यूनिक कलर सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे और थोड़ा सा यूनिक भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ ये वाला कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट भी है। तो गाइस, कोई प्राइवेसी वगैरह का सीन होगा, मैं इसमें पूरा का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पिक्सआर्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो आ नहीं रहा है जैसा कि मैं बना रहा था। तो गाइस, मैं दिखा रहा हूँ कि आपको बनाना कैसे है, स्टिकर वगैरह ऐड करके आप बना लेना, आप बना लोगे, इतने समझदार आप लोग हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो हम वापस आते हैं अपनी वीडियो में, यानी कि काइन मास्टर में। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट कर लेना है, वॉइस ओवर भी यहीं से कर ही लेना है आपको। और मैं जो ब्रांडिंग की बात कर रहा था, यानी कि स्टिकर की जो मैं अभी बनाने वाला था पिक्सआर्ट में, उसको मैं बताता हूँ आपको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर देना है, और फिर उस फोटो को अच्छे से एडजस्ट करना है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको इस फोटो की लेयर को पूरी के पूरे वीडियो में मतलब बढ़ा देना है, और फिर इसका डुप्लीकेट लेयर करके इसके ऊपर भी इसको सेम कर देना है, थोड़ा सा जूम करके, ये जो लाफिंग इमोजी है ये ना दिखे, और हाँ ये देखो कुछ ऐसा, फिर आपकी वीडियो की ब्रांडिंग और लेयर कुछ ऐसी निकल के आएगी। और फिर गाइस, आप लोग को अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करना है, और वॉइस ओवर ऐसा करना कि लोगों को लगे कि हाँ कोई कमेंट्री कर रहा है मस्त नेक्स्ट लेवल की, उसमें ऐसा ना लगे कि कोई पढ़ रहा है जैसे कुछ लिख के। और अगर तुम्हारी फनी कमेंट्री है, तो तुम उसमें कुछ फनी ऑडियो भी यूज कर सकते हो, जिसका मैं एग्जांपल 2-3 मैं तुमको दे रहा हूँ यहाँ पे। इन सभी साउंड को तुम यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और हाँ, इनका अच्छे से यूज करना, टाइमिंग एकदम मस्त रखना, और वीडियो पूरी होने के बाद बैकग्राउंड में कोई सा भी गाना लगा देना, चाहे वो कोई भी गाना हो, और उसकी जो वॉल्यूम है ना उसको 15% के अंदर में रखना। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आप कोई भी सॉन्ग लगा सकते हो। तो गाइस, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना, मैं रिसर्च करके आपको वहां पे वीडियो दूंगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट की बहुत जरूरत है यार। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।